आप मनपसंद पोस्ट चाहते हैं, अगर आप इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, 3 स्टार लेना चाहते हैं और अपने होम टाउन में लेना चाहते हैं, तो भैया आपको जीके में 75 में 40+ तो स्कोर करना ही पड़ेगा। प्लस जो आपका रीजनिंग मैथ्स और इंग्लिश का जो आपका 105 क्वेश्चन है, इसमें से आपको कम से कम 100 सवाल सही फिर से करने स्वागत है पड़ेंगे। आपका हमारे इंस्पेक्टर कृषि चैनल पे। बहुत दिनों बाद ये वीडियो आ रही है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए है क्योंकि सीजल का प्री आपका चल रहा है और जिसका भी स्कोर उसको लगता है कि 125 प्लस करेगा, स्पेशली जो जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, तो उसको सीजीएल मेंस की तैयारी बिल्कुल करनी चाहिए। और आपको एक बात और बता दूं कि सीजीएल मेंस आने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, अक्टूबर में आपका मेंस हो जाएगा और अक्टूबर कब आएगा आपको पता नहीं चलेगा, और इतना ज्यादा सिलेबस है, पैटर्न चेंज है, तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपको करना है स्मार्ट स्टडी। उसके लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। ये जो वीडियो होने वाली है 4 पार्ट में बनेगी। आज सबसे पहले हम जीके की वीडियो को डिस्कस करेंगे कि जीके में सीजीएल 2022 में किस चैप्टर से, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, करेंट आया है तो किस सब्जेक्ट से आया है, किस सेक्टर से आया है, पॉलिटी में किस सेक्टर सेक्टर से क्वेश्चन आए हुए हैं, ज्योग्राफी में कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, कौन सी किताब आपको पढ़नी है, ये सारा चीज़ इसमें हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा देखना। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, इसका PDF डाल दूंगा मैं उसमें, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये रहा भैया सीजीएल 2022 के मेंस का एनालिसिस है, चैप्टर वाइज वेटेज देखेंगे। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है पॉलिटी से, पॉलिटी से आए 14 क्वेश्चन, बायोलॉजी से आए हैं 13 क्वेश्चन, जियोग्राफी से आए हैं 9 क्वेश्चन और फिजिक्स से आए हैं 9 क्वेश्चन। सबसे ज्यादा वेटेज इन चार सब्जेक्ट्स का रहा है। पॉलिटी में जो हम बात कर रहे हैं, पॉलिटी में सिर्फ आया है आर्टिकल्स, मैक्सिमम आर्टिकल आया हुआ है, मैक्सिमम आर्टिकल है, ठीक है। बायोलॉजी में प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से है। जियोग्राफी की बात करो, जियोग्राफी में भाई साहब आया हुआ है सिर्फ और सिर्फ क्रॉप्स के बारे में और क्लाइमेट के बारे में, ठीक है, हमारे इंडिया में कैसा क्लाइमेट है और क्रॉप्स हमारे इंडिया में कब कब कौन कौन से होते हैं। फिजिक्स की बात करें तो इसमें आया है रेजिस्टेंस से क्वेश्चन आए हुए हैं, पावर से क्वेश्चन आए हुए हैं, स्पेशली साइंटिस्ट के क्वेश्चन आए हुए हैं कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या खोज किया था, ये सारी चीजें आई हैं। ये चार सब्जेक्ट जो है, ये चार सब्जेक्ट का सबसे ज्यादा वेटेज रहा है। बात करते हैं अगला जो हमारा 5वां सब्जेक्ट है जिसका उससे कम वेटेज है, वो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से 7 क्वेश्चन आए। आपको मैं बता दूं कि ये जो जो डेटा है, ये डेटा चारों दिन का सब जो चारों शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है उस चारों शिफ्ट का डेटा मिलाकर है, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आए हैं उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो 7 क्वेश्चन आए हुए हैं, केमिस्ट्री की बात करें तो 6 क्वेश्चन आए हैं, केमिस्ट्री में केमिकल फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं और आपके साइंटिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। हिस्ट्री, हिस्ट्री का देखिए, हिस्ट्री में टोटल 3, 6, 3, 9, 2, 11 11 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें से एंशियंट हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन है, हिस्ट्री मिडिवियल से 6 क्वेश्चन है और मॉडर्न से 2 क्वेश्चन है। ये आपके क्वेश्चन आए हुए हैं हिस्ट्री से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जिससे आप लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से टोटल सिर्फ 10 क्वेश्चन आए हुए हैं पूरे चारों शिफ्ट में मिला के, और मैं आपको बता दूं कि किस सेक्टर से आया हुआ है। तो अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा अवार्ड्स, फिल्म फेयर अवार्ड्स हो गए और जो भी कोई अवार्ड्स मिला हुआ है। पॉलिटी रिलेटेड बहुत सारे करंट अफेयर्स थे कि कौन सा अमेंडमेंट हमारे अभी लेटली कौन सा अमेंडमेंट हुआ हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। गेम्स से रिलेटेड, एशियन गेम्स में किसको क्या अवार्ड मिला है, कौन प्लेयर ऑफ द ईयर है, कौन प्लेयर ऑफ द मैच है, ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं करंट अफेयर्स से। और एक दो करंट अफेयर्स 2020 के भी आए हुए हैं, तो आपको ज्यादा बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, जो ये मेन पार्ट्स हैं इन सबको आपको तैयार करना है। टोटल 10 क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर्स से। स्टैटिक, स्टैटिक के लिए बहुत हाथ पैर मार रहे हैं सब लोग, इधर उधर पता नहीं क्या क्या चीजें पढ़ रहे हैं, सिर्फ इन चीजों से क्वेश्चन आए हुए स्टैटिक्स एग्जाम में। आपके स्टैटिक पार्ट से आपका ये क्वेश्चन आया हुआ, जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन, आपने मान लिया कि एक नाबार्ड ऑर्गेनाइजेशन है, नाबार्ड ऑर्गेनाइजेशन में क्वेश्चन कैसे आया हुआ है कि नाबार्ड ऑर्गेनाइजेशन का ऑप्शन 1 दिया हुआ है कि इट इज एस्टैब्लिश्ड इन दिस ईयर, इसका काम ये है, इसको संभालता ये है, ऑप्शन आ जाएगा आपका 1, 2, 1, only 2, only 1 और none of the above, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके स्टैटिक के ऑर्गेनाइजेशन से, इसलिए आपको ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से तैयार करके जाना है। इंडियन कैलेंडर, जैसे इंग्लिश में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल होता है, वैसे हिंदी में भी मतलब चैत्र मास फागुन होता है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन आए हुए हैं कि इंडियन कैलेंडर्स को इस महीने को हिंदी में क्या कहते हैं। डांस से ऑब्वियसली क्वेश्चन आया है, लेकिन डांस का इतना क्वेश्चन होता है कि आप याद नहीं कर सकते, फिर भी आपको पढ़ के जाना है क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसा फंस जाए जो आपके दिमाग में क्लिक कर जाए सबकॉन्शियस माइंड से और आप उसको टिक कर दे, फिर भी पढ़ के जाना है। साइंटिस्ट का नेम भर भर के आया हुआ है कि किस साइंटिस्ट ने कौन सा फॉर्मूला दिया है, किस साइंटिस्ट ने कौन सा लॉ बताया है, स्पेशली केमिस्ट्री में और स्पेशली बायोलॉजी में। तो इसके लिए जब आप बायोलॉजी या केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो भी लॉ पढ़ रहे हैं, तो उसके साइंटिस्ट का नाम जरूर याद रखिएगा कि साइंटिस्ट ने किस ईयर में क्या खोजा था। आपको इतना याद नहीं रह सकता, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, आपका टारगेट होना चाहिए कि भाई आपको 40
प्लस स्कोर करना है 75 में, तभी जाके आपका रैंक अच्छा हो सकता है, क्योंकि आप मैथ इंग्लिश रीजनिंग सब लोग करेंगे भैया, लेकिन जीके में जिसका स्कोर 40 प्लस होगा वही अच्छा रैंक लेगा, वही अपने मनपसंद पोस्ट अपनी मनपसंद जगह पे लेगा, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इंडेक्स, इंडेक्स के दो क्वेश्चन आया हुआ है चार सेप्ट में, एक क्वेश्चन आया हुआ एक सेप्ट में, एक क्वेश्चन आया एक सेप्ट में, दो सेप्ट में इंडेक्स क्वेश्चन नहीं थे, इसका मतलब कि इंडेक्स हमको पढ़ के जाना है। सेंसस के चारों सेप्ट में एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसका मतलब कि आपको इस बार भी सेंसस पढ़ना है अच्छे से। और स्कीम्स, स्कीम्स से का चार क्वेश्चन आए हुए, चार शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है, टोटल हमारा 100 क्वेश्चन हो जाता है। ये जो हमारा था ये हमारा ब्रेकअप था चैप्टर वाइज, कितने तरीके के क्वेश्चन आए, अब आप देख लीजिए कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, इन चीजों को आपको पढ़ के जाना है बिल्कुल एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा है। और मैं आपको ये जो चीजें बता रहा हूँ ना, 40 प्लस आपको ले आना होगा 75 में, अगर आप मनपसंद पोस्ट चाहते हैं, अगर आप इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, 3 स्टार लेना चाहते हैं और अपने होम टाउन में लेना चाहते हैं, तो भैया आपको जीके में 75 में 40 प्लस तो स्कोर करना ही पड़ेगा, प्लस जो आपका रीजनिंग मैथ्स और इंग्लिश का जो आपका 105 क्वेश्चन है, इसमें से आपको कम 100 सवाल सही करने पड़ेंगे, तब जाके आपकी मनपसंद पोस्ट मिलेगी, 3 स्टार आपके कंधे पर लगेगा भैया, और आपके होम स्टेट में लगेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इस PDF को लेने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया। और अगर तुमको मैथ्स इंग्लिश और रीजनिंग का भी ऐसा ही ब्रेकअप चाहिए तो कमेंट करके बताओ, और कोई भी डाउट हो तो पूछ के बताओ, अपना अटेम्प्ट अगर सीजल देके आ रहा हो तो अपना अटेम्प्ट कमेंट में करो। बाकी मिलते हैं, जल्दी मिलेंगे, कल मिलेंगे फिर इंग्लिश या किसी एक के साथ, जो आपका जिसका भी एनालिसिस आपको चाहिए आप बताइए, मैं आपको मिलूंगा वहां पे। चलते हैं, जय हिंद जय हिंद जय हिंद।